वहीं देश भर में आज गोवर्धन पूजा की धूम है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन, वृंदावन और मथुरा सहित पूरे ब्रज में इस दिन जोर शोर से अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर यानी सोमवार के दोपहर 2:56 से हो रही थी और तिथि का समापन आज यानी 14 नवंबर दिन मंगलवार दोपहर 2:36 तक होगी। ऐसे में उदया तिथि को मनाते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। ये भी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती है एवं धन धान्य और संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन गाय की पूजा करने से भी सभी पाप उतर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।